Hello students, welcome back to the TMI's home-based education. Today we are going to teach about combined operations. Students, combined operations के थोड़े सम से इन प्रीवियस लेक्चर में आपको दिखाए थे कि वो सम कैसे होते हैं, ठीक है। तो अब आपको शायद आ गया होगा कि वो सम में पहले करना क्या है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ। ये जो सम है कॉम्बाइंड ऑपरेशन वाले, वो दो टाइप के होते हैं। एक ब्रैकेट वाले होते, एक ब्रैकेट के बिना वाले होते, ठीक है। ब्रैकेट वाले होते हैं और विदाउट ब्रैकेट होता है, ठीक है। सोल्व द ब्रैकेट्स, उसके स्टेप्स क्या है फ्रेंड्स? पहले हमको क्या करना, अगर जो ब्रैकेट होगा सम में तो उसको पहले सोल्व कर देना है, ठीक है। और उसके बाद ही हमने क्या बोला था कि सम ऑफ द पॉजिटिव साइंस नंबर, मतलब कि जो पॉजिटिव साइन वाले जितने भी नंबर है उसका सम करना है, वो हम प्रीवियस लेक्चर में सीख चुके हैं। अब देखो, मैंने आपको वो भी बोला था कि यहाँ पे सिर्फ मैंने 15 लिखा है, मतलब यहाँ पे कोई मैंने साइन दिखाई नहीं है कि 15 की साइन कैसी है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो मतलब ये 15 क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर मैं ऐसे करके लिखूँ -15, तो मतलब ये 15 की साइन कैसी होगी? नेगेटिव साइन होगी, ये हमको मालूम होना चाहिए। जिस भी नंबर की साइन नहीं दिखाई है वो क्या है? पॉजिटिव है। और जिस नंबर की साइन हमको दिखाई गई हुई है वो क्या है फ्रेंड्स? मतलब ये यहाँ पॉजिटिव दिखाई गई है, मतलब वो पॉजिटिव है। और यहाँ पे पॉजिटिव है लेकिन मगर दिखाया नहीं है, मतलब कि यहाँ पे कोई भी साइन नहीं दिखाई है तो ये पॉजिटिव है, वो हमें समझ जाना है। ये नेगेटिव है, देखो 824 वो क्या है? नेगेटिव है। तो फ्रेंड्स, पहला स्टेप है सोल्व द ब्रैकेट्स। यहाँ पे कोई ब्रैकेट तो है नहीं, कोई भी सम है यहाँ पे उस पे ब्रैकेट नहीं है, तो हमको क्या करना है? दूसरे स्टेप पे जाना है, सम ऑफ पॉजिटिव साइंस नंबर, पॉजिटिव साइन वाले जितने भी नंबर है उन सारों का, वो सब नंबर का हमें क्या करना है फ्रेंड्स? सम करना है। मतलब यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है, मतलब ये पॉजिटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव की साइन है इसलिए ये भी पॉजिटिव है, उन दोनों का हमें क्या करना है? सम करना है। चलो वन स्पेस से स्टार्ट करते हैं। 5 + 0 = 5। देखो जैसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हम एडिशन करेंगे, अब छोटे बच्चे की तरह साइड में लिख के नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब कि ऐसे नहीं करेंगे, 6,890 - +6,095, ऐसे सम हमें नहीं करना है। अगर नहीं आता आपको तो आप ऐसे भी कर सकते हो, मतलब पहले हम ऐसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ही ट्राई करेंगे इसको। 9 + 9, अब 10 स्पेस की बारी। 9 + 9 = 18। 18 है, ये जो 8 है वो आंसर में आएगा 100 की कॉलम में, और ये जो 1 है वो क्या होगा? नेक्स्ट प्लेस पे कैरी होगा, मतलब यहाँ पे नेक्स्ट प्लेस कौन सा है? 100 वाला है। तो ये 100 वाला जो कॉलम है वहाँ पे कैरी क्या होगा? 1 होगा। अब कैरी को भी काउंट करना है 100 प्लस के साथ। 1 + 6 = 7 एंड 7 + 8 = क्या आ जाएगा? 7 + 8 = क्या आता है? 15। तो ये जो 15 है उसमें जो 5 है वो 100 प्लस पे में लिखना है, और ये जो 1 है वो नेक्स्ट प्लस पे कैरी होगा, मतलब यहाँ पे नेक्स्ट प्लस है 1000 है, वहाँ पे हम क्या करेंगे? 5 कैरी करेंगे। यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है 1000 में, मतलब यहाँ पे है, तो मतलब हम ये की करिए यहाँ पे भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वरना हम ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम 0 लिख देते हैं, कुछ भी नहीं है, मतलब क्या उसका मीनिंग क्या होता है? 0 है। तो अब ये 1 जो है वो हम कैरी लिख सकते हैं, सॉरी 5 नहीं आएगा, ये 1 आएगा, 1 हम यहाँ पे कैरी लिख सकते हैं। अब 1 + 0 = 1 एंड 1 + 6 = 7। दोस्तों ये दोनों नंबर है, उन दोनों का हमने एडिशन, मतलब कि सम कर दिया, ठीक है। ये जो दूसरा स्टेप था वो हमने कर दिया, तो बचा क्या है फ्रेंड्स? ये रिमेनिंग है, इसका हमने कुछ किया ही नहीं है, तो ये हम ऐसे ही लिख देते हैं -824। अब तो ये सबट्रैक्शन का सम हो गया, आप सबको आता ही है। 5 - 4, 1 स्पेस से स्टार्ट करेंगे। 5 - 4 = 1, 8 - 2 = 6। एंड फ्रेंड्स 5 - 8 है वो हम नहीं कर पाएंगे, मतलब कि हम नेक्स्ट प्लेस में से बोरो लेंगे। अब तो 7 में 7 सबट्रैक्ट होगा, क्या हो जाएगा? 6। 5 में 10 ऐड हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 15। नाउ 15, ये जो 15 है उसमें से 100 प्लस वाला 8 सबट्रैक्ट करना है। 15 - 8, यहाँ पे क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? 7 आ जाएगा। अब 6
थाउजेंड प्लस पे यहाँ पे सिक्स है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब सिक्स ऐसे ही लिख देना है। तो आंसर निकल के क्या आएगा, 6761। ठीक है, तो थोड़ा ऐसा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होगा कि आपको थोड़ी दिक्कत होती होगी, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, जैसे प्रैक्टिस करेंगे हमारी दिक्कतें दूर होती चलेंगी। ठीक है, अगर प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो दिक्कत कैसे दूर होगी, प्रॉब्लम हो रही तो उसको सॉल्यूशन हमें करना पड़ेगा ना, इसलिए वैसे ऐसे हम हॉरिजॉन्टल फॉर्म में सम है वो कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो अब एक ये जो सम है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में नहीं करते, पॉजिटिव साइन वाले उनका सम करना है, मतलब यहाँ पे कुछ भी साइन नहीं है, मतलब वो पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, मतलब इन दोनों का क्या करना है हमें, सम करना है। तो चलो ये करते हैं, 4845 + 692, 5 + 2 = 7, 4 + 9 = 13, 3 है वो टेंस की कॉलम में आंसर आएगा और ये 1 है वो कैरिड ओवर टू नेक्स्ट प्लेस, 1 + 8 = 9, 9 + 6 = 15, 1 कैरिड ओवर होगा 15 का। ठीक है, 4 + 1 = 5, तो ये दोनों का सम क्या आ गया फ्रेंड्स, 5537। अब ये रिमेनिंग पार्ट कौन सा है, -3640। ठीक है, तो चलो अब वो भी कर देते हैं, 5537 - 3640। सबट्रैक्शन ही है सिंपल, अब देखो 7 - 0 = 7, वी कांट सबट्रैक्ट 3 फ्रॉम द 4। ठीक है, इसलिए थोड़ी मैं स्पीड में कर रहा हूँ क्योंकि वरना वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, और सबट्रैक्शन तो आप लोगों को आता ही है, यहाँ से -1 होगा और यहाँ पे 10 होगा, 13 - 4 = 9, वी कांट सबट्रैक्ट 6 फ्रॉम द 4, देन वी विल टेक द बोरो फ्रॉम नेक्स्ट प्लेस, and this 5 become 4 and this 4 will become 14, 14 - 6 = 8, 4 - 3 = 1, then answer will become 1897। तो ये हमारा क्या हो गया फ्रेंड्स, फाइनल आंसर हो गया। तो ऐसे कॉम्बाइन ऑपरेशन वाले सम करते, मतलब कि जैसे पॉजिटिव साइन वाला जो नंबर है, जितने भी नंबर पॉजिटिव है उन सारों का हम सम कर देंगे, वो सब काम क्या कर देंगे फ्रेंड्स, सम कर देंगे, और लास्ट में जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम सॉल्व कर देंगे, मतलब ये दोनों का सम क्या, रिमेनिंग पार्ट था -3614, तो वो मैंने कर दिया। ठीक है, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट सम है वो लास्ट वाला है, देखो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो फ्रेंड्स 8314 + 1, तो ये क्या आ जाएगा, 8341, ये यहाँ पे हम लिख देंगे 8341। रिमेनिंग पार्ट क्या है फ्रेंड्स, -8341। अब नंबर है वो सब्ट्रैक होगा फ्रॉम द इटसेल्फ। ठीक है, इफ वी सब्ट्रैक नंबर इटसेल्फ फ्रॉम द नंबर, देन आंसर विल बिकम 0। आप सबको मालूम है नंबर खुद में से सब्ट्रैक हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये बात आप सबको मालूम है। तो फ्रेंड्स ये सारी बातें हो गई विदाउट ब्रैकेट वाले सम की, अब हम देखेंगे कि विथ ब्रैकेट वाले सम कैसे काउंट करने हैं। अभी फ्रेंड्स आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें से ही मैंने ये सम लिए हुए हैं ब्रैकेट वाले। ठीक है, कहाँ से लिए गए वो सारी बातें बताऊंगा, अब अभी अब सम समझो। तो ये जो सम है वो किस है फ्रेंड्स, विथ ब्रैकेट वाला है, मतलब कि यहाँ पे ब्रैकेट आया है, देखो यहाँ ये ब्रैकेट है और यहाँ पे ये भी ब्रैकेट है, तो ये वाले सम में हमें क्या करना है, तो यहाँ पे मैंने लिखा सोल्व द ब्रैकेट फर्स्ट, मतलब कि हमको पहले क्या करना है, ब्रैकेट को पहले सोल्व करना है, उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम सोल्व करेंगे, ऑटोमेटिकली सम हो जाएगा अगर आप ब्रैकेट सोल्व एक बार कर दोगे तो। तो देखो ये ब्रैकेट है उसको हम पहले सोल्व करेंगे, एडिशन है ब्रैकेट में, क्या एडिशन है, क्या करना है, 864 + 2982, देखो मैंने अरेंज किया है, वंस प्लेस वाला नंबर है वो वंस प्लेस की कॉलम में लिखा है, टेंस प्लेस वाला नंबर टेंस प्लेस की कॉलम में लिखा है, तो वो आपको भी सीखना है। ठीक है, 4 + 2 = 6, 6 + 8 = 14, देन 1 विल बिकम कैरिड ओवर टू
next place 1 plus 8 is equal to 9 and 9 plus 9 is equal to 18 and 1 is carried over to the next place 1 plus 2 is equal to 3 तो ये आप सबको आता है ये आंसर क्या आ गया 3846 माइनस 3452 ये जो रिमेनिंग पार्ट था वो भी मैंने ऐसे यहाँ पे लिख दिया अभी फ्रेंड्स हम ये करेंगे देखो कैसा करते है? मेरा रजिस्टर कहाँ पे गया अब ये जो सब्ट्रैक्शन हमारे सामने है वो हम सोल्व कर देंगे मतलब आंसर आ जाएगा 3846 माइनस 3452 सब्ट्रैक्शन भी 1 प्लस 6 होता है 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 वी कांट सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम द 4 क्योंकि 5 है वो 4 से बड़ा है इसलिए हम क्या करेंगे बोरो फ्रॉम द नेक्स्ट प्लस 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7 एंड 4 प्लस 10 इज इक्वल टू 14 14 minus 5 is equal to 9, 7 minus 4 is equal to 3, and 3 minus 3 is equal to 0. Then answer will become 394. ये हो गया हमारा आंसर मैंने क्या किया सिर्फ ब्रैकेट को सोल्व किया और जो रिमेनिंग पार्ट था वो उसके साथ सोल्व कर दिया ठीक है यहाँ पे सब्ट्रैक्शन वाला था रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे एडिशन वाला है तो वो करेंगे देखो ये सब कैसे करें फर्स्ट सोल्व द ब्रैकेट उसमें क्या है सब्ट्रैक्शन है अब ऐसे ही हो जाए ऐसा सब्ट्रैक्शन है आसान सा वन स्पेस से स्टार्ट करते हैं 4 माइनस 0 इज इक्वल टू सॉरी 4 अब 10 स्पेस की बारी 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 ठीक है अब 100 स्पेस की बारी 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 8 माइनस 3 अब 1000 स्पेस की बारी 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 ठीक है रिमेनिंग पार्ट कौन सा है प्लस 420 रिमेनिंग पार्ट है उसमें भी एडिशन ही करना है 1 प्लस से स्टार्ट करते हैं 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4 5 प्लस नथिंग यहाँ पे कुछ भी नहीं है 1000 प्लस पे मतलब 5 हमें ऐसे ही लिख देना है इसका आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स 5444 ठीक है तो ये ऐसे करते हैं मतलब कि जो ब्रैकेट वाला नहीं है उसमें क्या करेंगे पहले पॉजिटिव साइन वाले जो नंबर है जो नंबर पॉजिटिव है उसका हम सम कर देंगे उसके बाद रिमेनिंग पार्ट का ऑपरेशन है वो उसके साथ कर देंगे और ब्रैकेट वाले सम में पहले ब्रैकेट सोल्व कर देंगे फिर रिमेनिंग पार्ट वाला जो बचा है वो पार्ट वो हम सोल्व कर देंगे ऐसे करना है देख लिया हमने यहाँ पे हम कैसे करेंगे ओके फ्रेंड्स तो अब हम होमवर्क में क्या करेंगे होमवर्क में एक्सरसाइज नंबर 3 है आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर है 40 उसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में दोनों में अलग अलग है ए बी सी डी ई एफ इतने सम दिए हुए हैं 1 में भी इतने सम है 2 में भी इतने सम है टोटल कितने सम हो गए 12 सम हो गए ब्रैकेट वाले भी है ब्रैकेट बिना ब्रैकेट वाले भी है तो वो सारे सम है वो आपको सॉल्व करने हैं और अपनी फेयर बुक में लिखना है और मुझे एड पोडो पे पोस्ट करना है ठीक है फ्रेंड्स नाउ वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स टिल देन जय हिंद टेक केयर